एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ में सतत विकास के लिए विज्ञान विषय पर G20 यूथ कॉन्क्लेव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे और कार्यक्रम प्रमुख मीनू खरे, एमिटी विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर राजेश तिवारी और AIIT के निदेशक ब्रिगेडियर उमेश चोपड़ा, आकाशवाणी से रश्मि चौधरी और डॉक्टर सुशील कुमार राय ने किया। आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख मीनू खरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संकल्पों और मार्गदर्शन के कारण हमारा देश आज चौमुखी उन्नति और विकास के रास्ते पर अग्रसर है। आपको बताता है कि इससे पहले 3 G20 यूथ कॉन्क्लेव जून और जुलाई माह में हो चुके हैं। यही उद्देश्य इस चीज में मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत ही प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व को किसी ने भी नहीं पहचाना, उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर लाके खड़ा किया, पद्मश्री से नवाजा और एक माध्यम बनाया जिससे कि भारत सरकार की नीतियाँ को युवाओं तक पहुँचाया जा सके और युवाओं को जागृत किया जा सके देश की प्रगति में हिस्सा लेने के लिए। नहीं, इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको प्रोत्साहन के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आकाशवाणी की तरफ से इनको पुरस्कार दिया जाएगा और मैं इसके लिए आकाशवाणी लखनऊ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने MIT विश्वविद्यालय को ये एक अवसर दिया यहाँ पे हमारा यूथ जो है अपना ये प्रोग्राम कर सके। इसमें कम से कम 350 से ज़्यादा बच्चे थे, उपस्थित थे और 20-30 बच्चों ने अपना प्रोग्राम दिया। बेहतरीन आला के प्रस्तुति की, तो कुल मिलाकर युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, युवाओं को भारत की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति के बारे में जानकारी देना, साथ ही उन्हें सामाजिक सरोकारों से जोड़ना, जैसे जल संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता से जोड़ने का यह छोटा सा प्रयास आकाशवाणी लखनऊ का, मुझे उम्मीद है कि G20 की भारत की अध्यक्षता का उत्सव जो है वो युवाओं में एक बहुत अच्छे तरह से जागरूकता लाएगा और युवा इससे लाभान्वित होंगे, साथ ही जो एक समाज में परिवर्तन की कोशिश है वो ज़रूर होगी।